साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, टूटी नींद है, सपने नहीं टूटा करते, सपने नहीं टूटा करते। हाय दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार की। जो मौलिक अधिकार है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हमने प्रोवाइड की थी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। तो आप सभी इस वीडियो को ना देखे हो तो प्लीज़ जाकर पहले उसको देख लीजिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे समानता या समता का अधिकार, ठीक है। जो मौलिक अधिकार छः हैं हमारे संपत्ति के अधिकार को छोड़कर, ठीक है, वो हमारे जो छः हैं उनमें से पहले अधिकार की हम चर्चा करेंगे आज की डेट में, यानी इस वीडियो में, जो कि समता या समानता का अधिकार है। जो समता या समानता का अधिकार है, ये जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका जिक्र किया गया है। किसका? समता या फिर समानता का अधिकार। तो समानता का मतलब आप इसके शब्द से ही जान ले रहे हैं कि समानता यानी जहां पर सभी चीजें समान हो, यानी सभी में समानता पाई जाती हो, समान पाई जाती हो, वो क्या होती है? समानता होती है। तो हमारा अधिकार है कौन सा? मौलिक अधिकार का पहला भाग यानी पहला पार्ट, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं, किसकी? मौलिक अधिकार के समता या समानता के अधिकार की ट्रिक। ट्रिक क्या है इसकी? तो हम आइए देखते हैं। तो जो ट्रिक है वो है कि समान धर्म जाति, समान धर्म जाति, ठीक है, लोक अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है, उपाधि है। ये हमारी ट्रिक है। किसकी ट्रिक है? तो समता या समानता के अधिकार की ट्रिक है। इसके अंतर्गत जो हमारे 14 से 18 तक जो हमारे पांच अनुच्छेद बन रहे हैं, उनमें जो हमारी ट्रिक बननी चाहिए वो जो है यही है कि समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता उपाधि है, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है। तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि जो समानता या फिर समता का अधिकार है, इसके जो हमारे भेद हैं यानी अंग हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जो समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता उपाधि है, आइए इसका अर्थ समझते हैं। तो जो अनुच्छेद, ठीक है, पहला रहेगा समान है, तो समान से क्या हो जाएगा हमारा? समानता का अधिकार, ठीक है, क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, ठीक है, जो कि अनुच्छेद जो है 14 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14 में जो है इसका वर्णन किया गया है। किसका? कानून के समक्ष समानता। तो समान से क्या हो जाएगा हमारा? कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 में जिसका जिक्र किया गया है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये समानता या समता के अधिकार का पहला भाग था, जिसको हम का बोल सकते हैं, का, ठीक है।
तो जो हमारा समता या समानता के अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 है उनमें जो है मैंने ट्रिक बनाया है क्या, समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता उपाधि है, तो समान से जो है कानून के समक्ष समानता हो गई, समानता किसके समक्ष, कानून के समक्ष यानी कानून की निगाह में जो कि अनुच्छेद 14 में जिसका वर्णन है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में पहले जाने। तो जो कानून के समक्ष समानता है यानी विधि के समक्ष समानता है जिसका जिक्र जो है अनुच्छेद 14 में किया गया भाग 3 में, ठीक है, इसमें क्या है कि जो कानून है वो सभी के लिए एक समान होगा। एक समान का मतलब ये है कि चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, यानी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके लिए जो कानून बना है सभी के लिए एक समान बना है कानून। ठीक है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार में जो है अनुच्छेद 14 में जिक्र किया गया है कि कानून सभी व्यक्तियों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे जैसा हो, सभी के लिए कानून क्या है, समान है। ठीक है, तो इसका जो उल्लंघन है यानी कानून का उल्लंघन राज्य सरकार नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य सरकार जो है कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है, यानी जो कानून के समक्ष समानता है ये सभी के लिए समान है, वो भी केंद्र के द्वारा निर्धारित की गई है, सभी नेता हो चाहे मंत्री हो चाहे आम नागरिक हो, सभी के लिए कानून एक बराबर है। ठीक है, तो यही है कानून के समक्ष समानता जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है जो दूसरा है धर्म जाति है, तो धर्म जाति जो है हमारा ख नंबर बनेगा, तो ख नंबर में क्या है धर्म जाति, खा में क्या है धर्म जाति, ठीक है, धर्म जाति लिंग लिंग नस्ल, ठीक है, नस्ल जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान, ठीक है, तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध क्या किया गया है, निषेध किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यह अनुच्छेद जो है 15 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या किया गया है, तो यही किया गया धर्म जाति लिंग नस्ल या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो होता है उसको बंद कर दिया गया यानी रोक दिया गया, निषेध कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि राज्य सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इसमें भेदभाव नहीं कर सकता, किस पर, धर्म पर। तो धर्म के नाम पे जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म होते हैं तो हम धर्म पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कानूनन अपराध है। ठीक है, इसको निषेध कर दिया गया, रोक दिया गया है। ठीक है, जैसे पहले होता था, ठीक है, जाति, तो जाति के यानी जातियां जो भी होती हैं, उच्च वर्ग हो गया निम्न वर्ग हो गया एकदम वर्ग, ठीक है, तो उच्च वर्ग में जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय आ गए, ठीक है, जो निम्न वर्ग है मध्यम वर्ग है उसमें वो अन्य पिछड़ा वर्ग आ गया, जो निम्न वर्ग है उसमें एससी एसटी आ गए, तो पहले क्या था, जाति धर्म को लेकर क्या होता था, बहुत भेदभाव किया जाता था। भेदभाव का मतलब ये है कि जैसे होटल है या कोई संस्था है या कुछ और है वहां पर इनको काम नहीं करने दिया जाता था, या फिर अगर करते भी थे तो उनमें भी भेदभाव होता था, उनका सारा सामान अलग होता था, सारी व्यवस्थाएं अलग होती थी, कहां पर, पहले ये सब सिस्टम था। ठीक है, चाहे होटल हो चाहे कोई संस्था हो, वहां पर पीने के लिए उनके लिए स्पेशल ग्लास होती थी, स्पेशल का मतलब जो
जिनसे भेदभाव किया जाता था उनका सब चीज अलग होता था, ठीक है, सभी वस्तुएं अलग होती थी, उनसे दूरियां बना के रहा जाता था। तो ये सब क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया, अब भेदभाव नहीं रह जाएगा, ऐसा सिस्टम लगाया गया। लिंग, ठीक है, स्त्री पुरुष में पहले भेदभाव था, ठीक है, महिलाओं को क्या किया जाता था कि उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ठीक है, अन्य कोई काम भी उनसे नहीं करवाया जाता था, जो पुरुषों का काम होता था उनसे महिलाएं से कहा जाता था कि आपके आपका काम नहीं है। लेकिन क्या हो गया, ये भेदभाव हटा दिया गया, ठीक है। नस्ल, ठीक है, तो नस्ल आप जान ही रहे हो, और उसके बाद जन्म स्थान, यानी अगर उसका जन्म जो है निम्न कुल में हुआ है, बहुत पिछड़े देश में या राज्य में हुआ है या स्थान पे हुआ है, तो ये सब जो उनसे भेदभाव करना ये सब गलत है। तो ये सब क्या कर दिया गया कि समानता या समता के अधिकार के नियम के अंतर्गत क्या कर दिया गया, सभी को बंद कर दिया गया, यानी निषेध कर दिया गया, रोक दिया गया। अब ये सब सिस्टम नहीं है, सब आपस में समान भाव से रहेंगे, एक दृष्टि यानी एक निगाह से रहेंगे, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या फिर कोई व्यक्ति हो, सभी एक समान निगाह से सभी को देखेंगे, सभी एक समान रहेंगे, ठीक है। तो इसमें इसी का वर्णन किया गया, ठीक है, जैसे कि कुएं पर, तालाब में, नलकूप पर, इन सब में क्या होता था, जैसे कोरोना आया तो सभी हाथ को सैनिटाइज करते थे, तो वैसे ही पहले क्या था कि इन सब लोगों से सैनिटाइज किया जाता था, यानी जिस वस्तु को ये छू लेते थे उसको सैनिटाइज यानी धोया जाता था, तब उसका प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये सब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। हम नेक्स्ट बात करें तो जो गा नंबर है, ठीक है, जो तीसरा बिंदु आएगा हमारा, जो तीसरा बिंदु आएगा वो आएगा हमारा क्या है कि समान धर्म और जाति तो हो गया, उसके बाद है लोक, लोक मतलब राज्य, ठीक है, तो राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, राज्य के अधीन अधीन, ठीक है, नौकरियों का समान अवसर, समान अवसर, ये जो है अनुच्छेद किसमें है, ये जो है अनुच्छेद जो है 16 में है, ठीक है, किसमें है इसका जिक्र, तो अनुच्छेद 16 में है। क्या है अनुच्छेद 16 में, कि राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, यानी जो राज्य है कोई भी राज्य है भारत का, ठीक है, उनमें क्या होगा, नौकरी को समान अवसर दिया जाएगा। समान का मतलब ये है कि जितनी भी जातियां होती हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इन सबको, यानी एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, इन सब को एक समान नौकरी दी जाएगी। किसके अंतर्गत, समानता के अधिकार के नियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी को जो है राज्य के अधीन नौकरियां जो निकलेंगी उन सब में सभी को नौकरी दी जाएगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है, जो गा नंबर हमने यानी तीसरा बिंदु लिया, समानता के अधिकार के अंतर्गत राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, सभी को जो है एक समान नौकरी मिलेगी, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि जो जनरल से है उसको अधिकारी बना दिया जाए, और जो ओबीसी से है उसको जो है कर्मचारी बना दिया जाए, और जो एससी एसटी से है उसको चपरासी बना दिया जाए, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। जो जैसा रहेगा उसको वैसी उसको नौकरी दी जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य के अधीन नौकरियों में समान वितरण या फिर समान अवसर, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा घ नंबर है, घ नंबर यानी चौथा बिंदु अनुच्छेद यानी 17 आएगा, तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, क्या है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। ये जो है अनुच्छेद किसमें है, 17 में है इसका जिक्र, किसमें है, अनुच्छेद 17 में,
अनुच्छेद 17 में किसका जिक्र है? तो अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का मतलब यह है छुआछूत। तो छुआछूत जो बीमारी थी, बीमारी का मतलब यह है छुआछूत जो मन में बैठी बीमारी थी, ठीक है, उसका अंत किया गया। पहले क्या जमाना था कि छुआछूत था। छुआछूत का मतलब यही है, अभी इसके जस्ट पहले वाले में बताया था कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया। तो इसमें भी वही सिस्टम था कि कोई भी व्यक्ति, यानी जो निम्न वर्ग का, एकदम निम्न कुल का होता था, वो किसी चीज को छू लेता था, वस्तु को छू लेता था, तो उसको धोकर जो है उसको अन्य लोग प्रयोग करते थे, ठीक है, या फिर कहीं पर वो बैठ जाता था तो उसका प्रयोग नहीं किया जाता था, या फिर उसको बदल दिया जाता था, ठीक है। कोई चीज़ छू लेता था तो उसको खाया नहीं जाता था, मतलब, या कोई काम करता था तो उस पर अन्य कोई व्यक्ति उस पर काम नहीं करता था। तो ये बहुत सारे छुआछूत जैसे रोग फैले थे, ठीक है। रोग का मतलब जैसे कोरोना, तो कोरोना भी क्या था? छुआछूत था। छुआछूत का मतलब दूर से ही सलाम, ठीक है। तो दूर से ही सलाम से क्या हुआ कि अगर उसके पास जाते हैं, छूते हैं या पास में ही चले गए तो हमको भी हो जाएगा क्या? कोरोना। तो इससे बढ़िया क्या है? दूर से ही सलाम कर लो। तो सलाम का मतलब छुआछूत एक प्रकार से बीमारी बन गई थी, इससे दूरियां बना के रहो, पहले ये सिस्टम था, ठीक है। अब क्या है? इसका अंत कर दिया गया। आप सभी एक साथ रह सकते हैं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, नाच गा सकते, जो मन कहे वो कर सकते हैं, इसका अंत कर दिया गया। चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी या एसटी हो, ठीक है, ये सब एक साथ रह सकते हैं, मिलकर जो भी काम करना हो कर सकते हैं, इन सब का अंत कर दिया गया। किसी भी प्रकार की छुआछूत बीमारी जैसी ये सब हटा दिया गया इसको, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। आइए इसमें हम आगे देखें तो संसद द्वारा, हिंदू समाज से इसे हटाने के लिए संसद द्वारा जो है 1955 में क्या किया गया था? 1955 ईस्वी में क्या किया गया था? अस्पृश्यता, ठीक है, अपराध अधिनियम पारित हुआ था। क्या हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था कब? 1955 में। कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है, यानी छुआछूत की बीमारी जैसी फैलाता है, या फिर किसी व्यक्ति से भेदभाव करता है, तो उसको जो है अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है 1955 लागू किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1976 में, ठीक है, कब? 1976 ईस्वी में क्या किया गया? फिर इसका नाम बदल दिया गया। तो क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या किया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। क्या किया गया 1955 के बाद? 1976 में फिर इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसको और अधिक कठोर बना दिया गया। इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने के लिए जो है फिर एक अधिनियम पारित हुआ, इसी का नाम बदलकर, ठीक है, तो इसी का नाम बदलकर फिर जो है एक अधिनियम पारित किया गया, जो कि 1989 में, ठीक है, कब? 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में अधिनियम फिर एक बना, उसका नाम जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति निरोधक कानून। अनुसूचित जाति एवं जनजाति निरोधक कानून,
ठीक है, निरोधक कानून 89, ठीक है। तो ये जो है अधिनियम फिर पारित किया, यानी जो 1955 में अधिनियम बनाया गया था, कानून बनाया गया था, उसको और अधिक कठोर किया गया। कब? 1976 में, जिसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया। फिर उसको और अधिक कठोर बनाने के लिए फिर संशोधन करके 1989 ईस्वी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निरोधक कानून लाया गया 89, ठीक है, जो कि अभी तक चल रहा है, जिसमें जो है बहुत अधिक कठोर नियम लागू किया गया है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भेदभाव करता है तो उसके साथ गलत कानून, यानी ये जो कानून लगाया गया है, इसके साथ उसको दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये था अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि उपाधियों का अंत क्या है, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत देखिए, उपाधियों का अंत उपाधियों का अंत जो उपाधियों का अंत है, ये अनुच्छेद जो है 18 में इसका जिक्र है। किसमें है? अनुच्छेद 18 में। किसका? उपाधियों का अंत। तो अस्पृश्यता के बाद क्या आया? उपाधि आया, ठीक है। तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद किसमें है? 18 में जिक्र किया गया। उपाधियां यानी उपाधि क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि जो सेना होते हैं या फिर शिक्षा से संबंधित जो उपाधियां होती हैं या पुरस्कार जो होते हैं, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। उस पर न तो राज्य सरकार न तो केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है, ठीक है। लेकिन अगर अन्य किसी क्षेत्र से जो है आपको उपाधि दी जाती है, तो वहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा कुछ किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप किसी विदेशी से, ठीक है, यानी किसी अन्य देश से, भारत देश को छोड़कर अन्य देश से कहीं से उपाधि आप अगर आप पाते हैं, तब वहाँ पर जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना वो आप उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती, वो उपाधि आप ग्रहण नहीं कर पाओगे अन्य देश से, ठीक है। तो राष्ट्रपति अगर मंजूरी दे देता है, तब वो उपाधि आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन सेना और विद्या से जो संबंधित उपाधि है भारत सरकार की यानी अपने देश की, उसमें क्या है कि इन दोनों उपाधियों को आप ग्रहण कर सकते हो आसानी से, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अन्य उपाधियां अगर आप ग्रहण कर रहे हो, तो वहां पर भी मंजूरी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा है कि उपाधियों में हमने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके रिश्तेदार में या मित्रों में या सगे संबंधी में कहीं भी कोई किसी पद पर हो जाता है, उच्च पद पर, तो क्या हो जाता है, अपने गाड़ियों में, ठीक है, जहां भी जाते हैं वो लगवा देते हैं पोस्टर के रूप में, बैनर के रूप में, जिससे लगे कि इसके घर में कोई है, जिससे किसी भी प्रकार का प्रशासन पुलिस उसको ना टच करे, ठीक है। लेकिन आज का जमाना क्या है, आज बदल गया, नियम बदल गया, ठीक। अगर कोई यदुवंशी, छत्रवंशी, ठीक है, सोमवंशी, कोई भी जाति या फिर कोई पद या फिर कोई उपाधि अगर किसी गाड़ी में लगाया रहता है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। आज ये सिस्टम अच्छा हो गया है, नहीं तो क्या था कि कोई भी सगे संबंधी में किसी भी उपाधि या फिर किसी पद पर है, तो उसी को छिपवा कर, ठीक है, लेकर घूमते हैं और उड़ते हैं, ठीक है। पुलिस क्या कर सकती थी? कुछ नहीं, लगाया फोन, पता नहीं कौन है कौन नहीं, ठीक है, उल्टा सीधा सब हो जाता था। तो ऐसा अब सिस्टम नहीं है, उपाधियों का अंत कर दिया गया, आप किसी प्रकार का फर्जी जो है दिखावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लेकिन जो उपाधियां हैं, जैसे भारत रत्न, परमवीर चक्र, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, ये सारे जो क्या कहते हैं पुरस्कार हैं, तो इनको भारत सरकार देती है, ठीक है। तो इसमें क्या था? उपाधियों का अंत था, ठीक है। तो ये हमारा जो है समानता या समता का अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है इसका जिक्र था। तो
तो ट्रिक हमारी क्या थी, समान धर्म जाति, ठीक है, लोक अस्पृश्यता उपाधि है, ठीक है। तो समान से कानून के समक्ष समानता हो गया, जो कि अनुच्छेद 14 में, धर्म जाति से धर्म जाति लिंग नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, जो कि अनुच्छेद 15 में था। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर जो है, यानी लोक नियोजन, ठीक है, तो इसमें क्या था, अनुच्छेद 16 था। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में था, ठीक है। उसके बाद उपाधि है, तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में था। तो ये समता या समानता का अधिकार था, मौलिक अधिकार का पहला पार्ट, ठीक है। इसमें 6 भाग हैं, तो उनका हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, दूसरे भाग का, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ये आपको वीडियो जरूर समझ में आया हो, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को और आप बढ़ाइए, जिससे मैं और आप मोटिवेट हूँ, जिससे और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ और अच्छा पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।